भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती नगर मंडल अध्यक्ष कार्यालय सहित शहर के समस्त बूथों पर मनाई गई। इस दौरान उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक ही सपना था कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मदद पहुंचे। इस सपने को लेकर ही पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्य किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को संबोधित कर मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को पूर्व पार्षद विजय पोरवाल, बबीता रघुवंशी ने भी संबोधित किया। आभार ओपी गहलोत ने माना। जयंती है, इस अवसर पर पूरे बूथों पे ये जयंती मनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है माननीय पंडित जी एक निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक निर्धन होके और इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की, ये सराहनीय है, ये सोचने वाली बात है। आज आप सब जानते हैं हमारे पास सारे साधन होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। माननीय पंडित जी के पास सिर्फ दो धोती थी, दो धोती में वो दिन भर प्रचार करते थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते थे। उसके बाद जब रात को अपने घर आते थे तो उसी धोती को धो के और फिर सुबह वही धोती पहन के और पंडित जी अपना कारवा आगे बढ़ाते थे। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इन चीजों से आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में जिन्होंने नाम रोशन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो ऐसे जाबाज और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से ही है, जो कि आज उसका लाभ हम सब ले रहे हैं। मेरा आज इस अवसर पर इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता ये ना सोचे कि हम तो हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, प्रदेश में शिवराज जी चौहान है, हमारी सरकार है। नहीं, हमें बैठना नहीं है अंतिम पंक्ति तक, जब तक हम नहीं जाएंगे और वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जब तक हम नहीं ऊंचाइयों पर लाएंगे, तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। बस इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी जानते हैं कि दीनदयाल जी ने बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन किया और भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि अभी बबीता भाभी जी ने बताया कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को हमारे लेवल तक लाना, प्रथम पंक्ति तक लाना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वे उसी में
अपनी पूरा जीवन उसी में लगाया उन्होंने और हमें मार्गदर्शन देते रहे और उसी में उनका आज भी सस्पेंस है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। हम उस ओर नहीं जाते हुए उनके दिखाए हुए पश्चिमों पर ही चलेंगे और आगे इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर और वार्ड क्रमांक 9 के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता है तो हम सबको पंडित जी के जीवन परिचय के बारे में ज्ञात होना चाहिए। 1916 मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और एक निर्धन परिवार में जन्मे। बहुत कम आयु में माता को खो दिया, पिता को खो दिया, अपने परिवार के रिश्तेदारों के यहाँ पर पले बढ़े, बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़े और पढ़ने में विद्वान, अति विद्वान व्यक्तित्व कि आज भी उन कॉलेज उन विश्वविद्यालयों में उनके द्वारा लिखी गई वो सारी एंसर शीट्स आज भी म्यूजियम में उपलब्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विशेष रूप से गुरुजी से, गोलवलकर जी से ज़्यादा संपर्क में आए और आप संघ के प्रचारक बनकर निकले। आप धीरे धीरे अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते गए और एकात्म मानववाद आपने पूरे विश्व को ये विचार दिया। आपने संघ का कार्य करते करते आप जनसंघ के संस्थापक बने। आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और राजनीतिक क्षेत्र में आपने ये कहा कि राजनीति सत्ता प्राप्त करने का जरिया नहीं होना चाहिए, राजनीति हम मानव कल्याण के लिए करें, राजनीति पंक्ति में यानी समाज में बैठे हुए अंतिम छोर वाले व्यक्ति तक हम पहुंचे, उसका उत्थान करें, उसका कल्याण करें और समाज में बराबर व्यवस्थाओं के साथ उस गरीब व्यक्ति को भी हम लोग परस्पर व्यवस्थाओं के साथ जोड़ सके। पंडित जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे विचार को लेकर चल रही है जो समूचे विश्व को एकजुट करने के लिए चली है। भारतीय जनता पार्टी को सेवा के काम में लेकर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यदि वर्तमान की सरकार हम देखें मित्रों, वह शुद्ध रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर चल रही है। आज शिवराज सिंह जी चौहान यदि इस प्रदेश में अनेकों योजनाओं को लेकर या अनेकों योजनाओं को ढाल के चल रहे हैं तो हर एक योजना के पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है कि हमें मानव कल्याण के लिए काम करना है, हमें मानव सेवा के लिए काम करना है, चाहे वो बहनों के लिए योजना हो, बेटियों के लिए योजना हो, शिक्षा के लिए योजना हो, किसानों के लिए योजना हो, युवाओं के लिए योजना हो। ये समूचा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का यदि है तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनकी विचारधारा थी कि हम कैसे मानव कल्याण करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज नागदा नगर में आप सभी के माध्यम से भी सेवा कार्यों को कर रही है और सेवा कार्यों को करने का पूर्णतः तात्पर्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यदि हम सत्ता में हैं तो हम पूर्णतः सत्ता के माध्यम से नगर के गरीब पिछड़े जो दूर बैठे हैं उन लोगों की सेवा करके उनका उत्थान कर सकें। ये भारतीय जनता पार्टी आप सबके माध्यम से नागदा में कर रही है। आज हम लोग हम सबके लिए एक बड़ा विषय कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्म जयंती का कार्यक्रम आज पार्टी कार्यालय पर वार्ड क्रमांक 9 के कार्यकर्ता बंधु मना रहे हैं। मित्रों, एक बात और बताता हूँ, पंडित जी सदैव इस बात को परस्पर ये कहते थे कि मानव कल्याण के लिए यानी एक मनुष्य को क्या आवश्यकता होनी चाहिए उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, वो है कि एक मनुष्य को उसके भूखे पेट को आहार मिले, उसके हृदय को प्यार मिले, उसके मस्तिष्क को विद्या मिले और जब वो ये प्रलोक अपने इस शरीर को नश्वर शरीर को छोड़ के जाए तो उसकी आत्मा को व्यवस्थित संस्कार मिले। ये पंडित दीनदयाल जी का विचार था कि इस काम को लेकर हमको भारतीय जनता पार्टी को समाज के अंदर काम करना चाहिए। समूचा विषय आप सबके बीच मैंने रखा है और आप सभी ने समूचा विषय बड़ी गंभीरता के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण मतदान केंद्रों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती संपूर्ण मतदान केंद्रों पर आज मनाई जा रही है। इसी तारतम में आज वार्ड क्रमांक 9 के हमारे कार्यकर्ता बंधु हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है हमारे मंडल के शोष अध्यक्ष आदरणीय सी एम अतुल जी, इस वार्ड के पार्षद
भाई विजय पोरवाल जी, हमारी बड़ी बहन भारत जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष कार्यकारण सदस्य बबीता रघुवंशी जी, हमारे लोहरवार जी, हमारे सभी पूर्व पार्षद हमारे सत्य कुमार चौबेसिया जी, पोरवाल जी और सभी कार्यकर्ता राजा पवार जी, सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मैं भारत जनता पार्टी मंडल नागदा की ओर से समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे पितृपुरुष पंडित दीनदयाल श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।